ये हमारा डिग्री का एपिसोड है। डिग्री क्या होता है? डिग्री तीन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ये जनरली एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव को ही हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, और ये पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो में मच या मोर लगा करके बनाया जाता है। जैसे आप एक इसको भी लिख लीजिए, मच, मोर, मोस्ट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जहां पे आप डायरेक्ट उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल, इसका कंपैरेटिव अगर बनाना है तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग पावरफुल को कंपैरेटिव डिग्री में बनाए तो ये हो जाएगा मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तो ये पूरा सीरीज आपको बुक में मिल जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। ये रट्टा मारने वाली चीज है, और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कंपैरेटिव डिग्री इज वेरी इजी। आप ये देख लीजिए लास्ट में ई आर आर ई ये लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में आप ई एस टी देख लीजिए, एस टी, ई एस टी या एस टी, ई एस टी या एस टी। तो कंपैरेटिव डिग्री वो है जिसमें ई आर लगेगा या आर ई। सुपरलेटिव डिग्री वो है जिसमें ई एस टी लगेगा या एस टी लगेगा। लेकिन इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से कि चेंज कैसे होता है, डिग्री चेंज कैसे होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अंकित इज ए गुड बॉय, ये कौन सा डिग्री हुआ? गुड है, पॉजिटिव डिग्री हो। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, याद रखिए, आपको एक हिंट दे देता हूं, पॉजिटिव डिग्री हमेशा वो होता है जिसमें एज, एज रहेगा जिस सेंटेंस में, या सो एज रहेगा, वो पॉजिटिव डिग्री आप पकड़ लेंगे। अब दे रहा हूं, हर्ष इज
as tall as Ankit. तो आप दो क्लू है इसमें आपको पकड़ने के लिए, मैंने बोला कि ये कौन सा डिग्री है, तो आप दो चीज को देख करके बता देंगे ये पॉजिटिव डिग्री है। सबसे पहला तो आप टॉल देखा, तो टॉल देखा तो ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा क्लू है कि एज एज वर्ड दिया हुआ है, दो एज एज, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। यानी दो क्लू आपके सामने है पकड़ने के कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इस पॉजिटिव डिग्री को हम लोग चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। अगर ये दिया गया कि चेंज इनटू कंपैरेटिव, इस पॉजिटिव को चेंज इनटू कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए ये जो लास्ट में नाउन होगा जो ऑब्जेक्ट की जगह पे, उसको उठा करके आप पहले ले आइए। अंकित एज, एज का एज, नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा जिस टेंस में रहेगा वही टेंस जाएगा। तो अंकित एज, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं दिया हुआ है तो आप कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा दीजिए। अंकित इज नॉट, अब टॉल को कंपैरेटिव डिग्री कर दीजिए, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, अंकित इज नॉट टॉलर। इसके बाद का वर्ड आपको खुद से लगाना पड़ेगा देन, अंकित इज नॉट टॉलर देन। अब ये लास्ट वाला जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर्ष, तो अंकित इज नॉट टॉलर देन हर्ष, हो गया पॉजिटिव का कंपैरेटिव। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में आपने पॉजिटिव में दो क्लू देखा, एक टॉल था तो पॉजिटिव डिग्री हुआ, एज और एज था इसलिए पॉजिटिव डिग्री हुआ। कंपैरेटिव डिग्री में भी दो क्लू आपको मिला, ये ईआर मिला तो ये टॉलर कंपैरेटिव डिग्री हुआ। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा ये वर्ड देन आएगा ही आएगा, ये भी गारंटेड है। ओके, अब एक और एग्जांपल देता हूं, ही इज द, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कौन सा डिग्री हुआ ये, तो ईएसटी लगा हुआ है, ईएसटी ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये सुपर लेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, अब एक ऐसा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जहां पे एक सुपरलेटिव से हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, फिर उसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। ये एग्जांपल ओवर हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, He is Hari is the Hari is the tallest boy in the class. Hari is the tallest boy in the class. अब इसको, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हम लोग को कंपैरेटिव में भी चेंज करना है और पॉजिटिव में भी चेंज करना है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव में चेंज करके देख लेते हैं। तो हरी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, नो बॉय इन द क्लास। याद रखिएगा कि टॉलेस्ट के बाद जो आएगा उसी वो उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले लेंगे, क्योंकि कोई नहीं है तो नो आएगा। नो बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज हरी। सो का भी एग्जांपल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नो बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज हरी। ये हो गया आपका पॉजिटिव, टॉल हो गया पॉजिटिव, एज और एज है,
पॉजिटिव, सोर एज है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो नो अदर, यहां पर लग जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में नो अदर, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज टॉलर देन हरी, नो अदर बॉय इन द क्लास इज टॉलर देन हरी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, नो अदर, नो अदर बॉय इज टॉलर देन हरी, इज टॉलर देन हरी इन द क्लास। तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव चेंज कैसे होता है, बस आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में एज एज या सो एज और हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा एडजेक्टिव का। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री में आपको ध्यान देना है कि ये सेकंड कंपैरेटिव डिग्री आपको लगाना, ईआर वाला वर्ड लगाना पड़ेगा, जो एडजेक्टिव है उसमें ईआर लगाएंगे और फिर देन लगा देंगे, बस ये। नेक्स्ट, अगर कोई कब कोई नहीं है तुलना में सुपरलेटिव डिग्री के, जब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना है और तुलना में कोई नहीं है तो आप सीधा नो अदर का यूज करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री में नो बॉय या नो बॉडी। तो दिस इज ओवर अबाउट डिग्री। नेक्स्ट, आपको इसी के अंदर आपको एक चीज और बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे आठ हैं, देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एट, there are eight parts of speech. क्या क्या है? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and then interjection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने नाउन देख लिया है, प्रोनाउन भी आपने देख लिया, ये सारे जो हम लोग केस में भी देखा वो सारे प्रोनाउन ही थे, नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, वर्ब भी आपने देख चुका है, एडजेक्टिव आप ये देख ही रहे हैं जो डिग्री में चेंज होता है एडजेक्टिव। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे गो वर्ब हुआ जाना, इसको क्वालिफाई, गो slowly, कैसा जा रहा है, धीरे धीरे, तो ये वर्ड हो गया एडवर्ब। runs fastly, ये हो गया एडवर्ब, जो विशेषता बताएगा इसका, वर्ब का जो विशेषता बताएगा उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे, कैसे दौड़ रहा है, तो बहुत तेजी से, ये सब एडवर्ब हुआ। तो आपने एडवर्ब भी देखा, एडजेक्टिव तो देख ही लिया, प्रीपोजिशन इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, सिंस, एट, ऑफ, ईटीसी, बहुत सारे हैं ऐसे वर्ड को, छोटे छोटे वर्ड को, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंजंक्शन क्या है, जितना लिंकिंग वर्ड है, एंड, but, so, because, hence, therefore, ये सारे conjunction हुए। और interjection किसको बोलते हैं, आ, ओ, आउच, हुर्रे, these words are interjection words, ओ, आ, आउच, हुर्रे, alas, ये समों के साथ
ये इंटरजेक्शन पंक्चुएशन मार्क्स में लगेगा, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ओवर। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चलेंगे आपको स्पीच नरेशन जिसको बोलते हैं।